देखिए ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। कैसे आएगा? सबसे पहले इन सिंबॉलिक फॉर्म गिवन इक्वेशन, इन सिंबॉलिक फॉर्म डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 13 ऑफ वाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस कास हाइपर 2x प्लस 2d पावर x। ये एक प्लस है, पॉजिटिव है, ठीक। अब यहां पर देखो, हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस कितना 13 इज इक्वल 0। क्या इसको फैक्टर कर सकते हैं? है ना, फैक्टर कर पाएंगे? यदि नहीं कर पाएंगे तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी 4 16 माइनस कितना हो गया 52 अपान कितना, ये आपको मिल जाएगा कितना 2, ठीक है। मींस आपने यहां पर क्या पाया, ये देखिएगा, एम इज इक्वल 4 प्लस माइनस 16 कितना हो जाएगा माइनस 36 अपान कितना 2, मींस प्लस माइनस कितना माइनस है मतलब आई आएगा, हम इसको 6i राइट कर सकते हैं। तो फाइनली हम पाए 2 प्लस माइनस कितना 3i। आया बच्चों? बस इसी ढंग से काम करना है, ठीक। चलिए इसका CF राइट करेंगे क्योंकि ये नॉन होमोजेनियस है। अब इसका CF क्या होगा? CF होगा प्यारे बच्चों C1 e टू दी पावर 2 प्लस 3i x, एक प्लस और एक माइनस है, C2 e टू दी पावर 2 माइनस 3i x, ये आ गया। अब इनमें से देखो C1 e पावर कितना आया 2x, अलग अलग कीजिएगा 3i x, C2 e पावर कितना 2x, e टू दी पावर माइनस कितना 3i x, ये हो गया। अब इसमें देखो e टू दी पावर 2x कॉमन, C1 e टू दी पावर 3i x प्लस C2 e टू दी पावर कितना माइनस 3i x। मैंने कहा था जब पॉजिटिव आई आए और जब पॉजिटिव आए तो कास में राइट करना है, निगेटिव आए तो साइन में राइट करना है। यहाँ पर ई टू दी पावर कितना 2x और C1, ये क्या हो गया कास 3x प्लस कितना C2, ये हो गया साइन 3x। आपने CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लिया प्यारे बच्चों। अब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए है ना PI के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/FD और ये क्या राइट करेंगे x। हमारे पास FD के प्लेस पर क्या है देखिएगा, चेक कर लीजिएगा, FD के प्लेस पर क्या है, FD के प्लेस पर क्या है y" यानी d² - 4d + 13। FD के प्लेस पर क्या है प्यारे बच्चों, d² - 4d + 13 और यहां पर है e^x + cos हाइपर 2x + 2 टू दी पावर x। एक बार चेक कर लीजिएगा, e^x cos हाइपर 2x e^2x, ठीक है। चलो इसको निकालते हैं प्यारे बच्चों। एक चीज ध्यान दीजिए, जब कभी ऐसा आए तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, cos हाइपर ax e टू दी पावर ax प्लस e^(-x) होता है बाई कितना 2, और साइन हाइपर ax होता है प्यारे बच्चों e^(-x) - e^(-x)/2। इसका यूज करेंगे तो चलो मैं एक काम करता हूँ, अलग अलग करते जाता हूँ, d² - 4d प्लस कितना हो गया 13 e^(x) और यहाँ पर फिर से d² - 4d प्लस कितना 13। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये देखो e^(2x) प्लस e^(-2x) बाई क्या करेंगे 2, और थर्ड 1/d² - 4d प्लस कितना 13 और ये आ जाएगा 2 पावर कितना x। ये देखिए पहले में क्या कीजिएगा, 1 रखिए 1, तो 1 रखने पर 0 तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकल गया। यहाँ पर देखो इन दोनों के लिए मैं 1/2 पहले राइट किया, पहले 2 रखिए, तो 2 रखने पर क्या आ रहा है, ये आ गया 4 2 जा 8 प्लस कितना 13 e^(2x) प्लस इनके लिए भी सेकेंड के लिए 1/2। अब -2 रख के देखिए, -2 का स्क्वायर ये आ गया -, प्लस 4 2 जा 8 प्लस कितना 13 ये e^(-2x) और यहाँ पर देखो क्या करते हैं हम लोग, जब हमारे पास 1/FD और e^(x) होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं,
डी माइनस ए जो भी है उसके प्लेस पर, ये देखो कैसे राइट करेंगे, इसको हम लोग क्या बना देंगे, देखो ई पावर लॉग, कैसे करेंगे, लॉग टू राइट करेंगे, यहां पर एफ ये आ जाएगा लॉग टू, ठीक है। कैसे करते हैं मालूम है, जैसे कि हमारे पास वन अपॉन एफ डी है, तो इसको ई पावर लॉग टू पावर एक्स ऐसे राइट करेंगे, ठीक है ना। यहां से हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान देना बिल्कुल, ये फार्मूला बना रहा हूं, तो एफ डी एन लॉग एम से कितना हो जाएगा ई पावर टू सॉरी एक्स लॉग टू। अब हमारे पास देखो ए के प्लेस पर कौन आ गया, ध्यान दीजिए, ये देखो ये डी है बच्चों, तो ये हो जाएगा टू सॉरी एक्स लॉग टू, इसमें देखो ए के प्लेस पर लॉग टू आ गया, तो हम ए के डी के प्लेस पर क्या करेंगे, लॉग टू राइट करेंगे, तो यहां पर लॉग टू होल स्क्वायर माइनस फोर लॉग टू प्लस कितना 13, और ये आ जाएगा टू पावर एक्स। तो सभी को हमने निकाल लिया, अब चलो सबको एक साथ फाइनली राइट करते हैं, 13 और ये हो गया 114 माइनस 4 10 आ गया पहला, ये देखो 13 प्लस 4 कितना हो गया 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा 9 और 9 टू जा 18, इसमें आइए 2 टू जा 4 है ना, 17 4 कितना हो जाएगा 21 42 हो जाएगा, ठीक है e पावर माइनस टू एक्स, और यहां पर आपको मिलना है लॉग टू होल स्क्वायर माइनस फोर लॉग टू प्लस कितना 13, और ये आ गया 2x। तो बच्चों हमने फाइंड कर लिया, अब y इज इक्वल क्या रखना है, सी ए प्लस पी आई, चलो सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल सी एफ कितना फाइंड किए हैं आप, e टू दी पावर कितना 2x, c1 यहां पर कितना आया है, cos 3x, c2 sin 3x, चेक कर लो बच्चों एक बार, ठीक है ये वाला है ना, सॉरी ये वाला है, चलो प्लस 1 अपॉन 10 e पावर कितना x प्लस 1 अपॉन 18 e पावर 2x प्लस 1 अपॉन 42 e पावर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन लॉग 2 होल स्क्वायर माइनस 4 लॉग 2 प्लस कितना 13 2 पावर x। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है, बस इसी ढंग से काम करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आपको 100% पसंद आया होगा, समझ में आया ना, 7 मार्क्स पक्का है आपका, याद रखिएगा।